योग इन दिनों पूरे विश्व में स्वस्थ जीवन शैली के लिए अति आवश्यक साबित हो रहा है। कोरोना महामारी के चलते योग अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां पूरे देश में योग के गुण सीखने और योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं इंदौर के भाजपा संभागीय कार्यालय पर योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं इस मौके पर इंदौर के संभागीय कार्यालय में वरिष्ठ नेता मंत्री द्वारा योग किया गया। वहीं सांसद शंकर लालवानी, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष गौरव रण दिवे सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए योग किया। वहीं योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताया। भारत की योग पद्धति पूरे विश्व भर में अपनाए जाने से भारत का मान भी बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन पर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रण दिवे ने बताया कि मोदी जी ने योग को ग्लोबलाइज किया है, उससे भारत का मान बढ़ा। इंदौर की जागरूक जनता ने जिस तरह 3 बार शहर को स्वच्छता में नंबर 1 ला चुके हैं, उसी तरह स्वास्थ्य में भी नंबर 1 लाएंगे। वही जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने योग को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस कोरोना महामारी के संकट में योग एक सुंदर, सुलभ और समृद्ध साधन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिस प्रकार से हमारी अपनी संस्कृति में, हमारे धर्म, हमारी आस्था में योगा का एक महत्व है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इस योगा को विश्व के अंदर जो एक संदेश दिया था वो एक सही था, और इस महामारी में, इस कोरोना के संकट में योगा एक सुलभ, सुखद, योगा के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। आप जानते हैं, इस प्रकार से अभी एक तरुण ने, अध्यक्ष जी ने, एक वरिष्ठतम मोगे जी ने जो भावना व्यक्त की है, मैं भी उनकी भावनाओं में अपनी भावनाओं को सम्मिलित करता हूं। और इस योगा दिवस पे आप सबको, मध्य प्रदेश वासियों को शुभकामना देते हैं। आज योगा की बात करो, स्वस्थ की बात करो, स्वच्छ की बात करो, शिक्षित की बात करो, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश शिक्षित हो, स्वस्थ हो और क्या हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो। और जिस पर स्वच्छता में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ये कीर्तिमान इंदौर ने स्थापित किया है, हमारी सबकी ये कल्पना है कि स्वच्छता के साथ शिक्षित भी और स्वस्थ भी। लेकिन देखिए, भारत ने पूरे विश्व को योग दिया है, और आज इस कोरोना काल में योग का क्या महत्व है, योग की क्या महत्ता है, पूरी दुनिया ये समझ चुका है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को जो ग्लोबलाइज किया है, भारत का जो मान बढ़ा है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सब, हमारे सारे वरिष्ठ नेता, सांसदगण, विधायकगण, हमारे आदरणीय मंत्री जी, हमारे आदरणीय मोगे जी भाई साहब, हम सब ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर योग अभ्यास किया। बिल्कुल, जैसे इंदौर की जनता जागरूक है, इंदौर को जैसे 3 बार स्वच्छता में नंबर 1 लाए थे, अब धीरे धीरे हम लोग पूरे इंदौर को फिर से स्वस्थता की ओर ले जाएंगे। और इंदौर ने जिस तरह का ये ऑनलाइन योग अभ्यास किया है, वो अपने आप में भारत में एक आदर्श प्रस्तुत करेगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।